मॉर्निंग स्टूडेंट हाउ आर यू आई होप यू आर फाइन अब हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ईच डिजिट ऑफ आर नंबर हैज़ अ फेस एंड प्लेस वैल्यू हर नंबर के हर एक डिजिट की प्लेस और फेस वैल्यू होती है फेस वैल्यू द फेस वैल्यू ऑफ आर डिजिट ज़ सेम एज द डिज़िट हर एक डिज़िट की फ़ेस वैल्यू सेम होती है फॉर एग्ज़ाम्पल फोर एट सेवन सिक्स ये फोर डिजिट का नंबर है इसकी हर एक डिजिट की फेस वैल्यू सेम होगी सिक्स वंस पर है इसकी फेस वैल्यू सिक्स सेवन टेंस पर है इसकी फ़ेस वैल्यू सेवन ही रहेगी एट हंड्रेड पर है इसकी फेस वैल्यू एट ही रहेगी फोर थाउजेंड पर है इसकी प्लेस वैल्यू फोर ही रहेगी अगर हमारे पास क्वेश्चन होता है राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ अंडरलाइन डिजिट हमें कोई नंबर दे रखा है जैसे वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ट्वेंटी फाइव फाइव के नीचे अंडरलाइन है इसकी फेस वैल्यू बतानी है तो फाइव की फेस वैल्यू फाइव ही रहेगी प्लेस वैल्यू द प्लेस वैल्यू ऑफ आ डिजिक डिपेंड ऑन इट्स पुजिशन इन द नंबर जो प्लेस वैल्यू है किसी भी नंबर की वो पुजिशन पर डिपेंड करती है कि वो किस पोजिशन पर डैट मीन्स वंस पर है टेंस पर हंड्रेड पर थाउजेंड पर एग्जाम्पल से हम इसे समझेंगे फोर थाउजेंड एट हंड्रेड सेवेंटी सिक्स में सिक्स जो है वो वंस पर है तो इसकी प्लेस वैल्यू सिक्स इंटू वन इजिकल टू सिक्स सेवन टेंस पर है तो सेवन इंटू टेन सेवेंटी एट हंड्रेड पर है तो एट इंटू हंड्रेड एट हंड्रेड फोर थाउजेंड पर है इसलिए इसकी प्लेस वैल्यू फोर इंटू थाउजेंड इजिकल टू फोर थाउजेंड अगर हमारे पास क्वेश्चन है कि अंडरलाइन डिजिट का प्लेस वैल्यू क्या है उसे फाइंड करना है तब हम क्या करते हैं उस अंडरलाइन डिजिट को देखते हैं कि किस पोजीशन पर है फाइव हंड्रेड की पोजीशन पर है तो फाइव की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी फाइव इंटू हंड्रेड इजिकल टू फाइव हंड्रेड